कोरोना संकट के समय जहां कई लोग इस समय भी मोटा मुनाफा के बारे में सोचकर काम कर रहे हैं, तो वहीं लोगों की जान बचाने के लिए भी कई लोग सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक समाज सेवी व शाहपुर के युवा भाजपा कार्यकर्ता कार्निक उपाध्याय ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए फ्री में अपनी निजी एम्बुलेंस की सेवा दी है और वो निजी एम्बुलेंस कई मरीजों को धर्मशाला जोनल अस्पताल और टांडा मेडिकल अस्पताल पहुंचा चुकी है। उपाध्याय की इस पहल को शाहपुर की जनता ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता भी उनके जज्बे को सलाम कर रही है। कोरोना पीड़ित मरीजों को कार्निक उपाध्याय और इनके ड्राइवर इंद्रजीत दोनों ही पीपीई किट पहनकर मरीजों को अपने निजी एम्बुलेंस से ले जाकर अस्पताल तक छोड़ रहे हैं। ये काम को वे अमलीजामा पहनाने के लिए कोरोना संक्रमित होने का खतरा भी काफी ज्यादा होता है। बावजूद इसके कोरोना पीड़ितों की जान बचाने के लिए कार्निक ने अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना पीड़ितों की सहायता कर समाज में एक मिसाल पेश की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहपुर पंचायत के धरोली वार्ड में अचानक एक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई, जिनका पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित था। पंचायत के उप प्रधान विनोद ने शाहपुर अस्पताल में इस संदर्भ में बात की, परंतु उन्हें अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिली। उन्होंने उसी समय कार्निक उपाध्याय को फोन किया तो कार्निक ने उसी समय अपने निजी गाड़ी भेजी, जिससे अभी हाल ही में कार्निक ने एम्बुलेंस में तब्दील करवा दिया है। इस दौरान कार्निक खुद मौके पर मौजूद रहे और पीपीई किट पहनकर मरीज को धर्मशाला कोविड केयर सेंटर में दाखिल करवाया। शाहपुर के युवा समाज सेवी कार्निक उपाध्याय ने बताया कि आज इस संकट की घड़ी में अपने सगे संबंधी आस पड़ोस के लोग एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, जो कि समाज के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे का साथ तो देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अपील करते हैं कि लोग इस बीमारी से डरे नहीं। कार्निक ने बताया कि उन्होंने पिछले 6 दिनों में शाहपुर और आसपास के क्षेत्र के कोरोना पीड़ितों के लिए अपने निजी गाड़ी को एम्बुलेंस बनाकर निःशुल्क सेवा शुरू कर दी है और कई कोरोना मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमें यहाँ देखकर रुके और आपने हमें प्रोत्साहित किया और जो प्रश्न आपने पूछे वो भी बहुत वाजिब से हैं। आज इस संकट की घड़ी में सगे संबंधी आस पड़ोस के लोग एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, जो कि एक सामाजिक प्राणी होने के लिए बहुत ही गलत है। हमें एक दूसरे का साथ तो देना है, उनका हाथ नहीं छूना मगर साथ तो देना है। मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि हमें पूरे एहतियात के साथ, हमें इस बीमारी से डरना नहीं है, हमें इतना भयभीत नहीं होना है, हमें पूरे एहतियात के साथ, प्रिकॉशंस के साथ हर उसका साथ देना है जिसे आज जरूरतमंद को आज हमारी जरूरत है। पिछले 6 दिनों से हमने शाहपुर में अपनी निशुल्क एम्बुलेंस सेवा का शुरुआत की है। आप देख रहे थे कांगड़ा में पिछले हफ्ते से ही लगातार 1500 से 1600 केस लगातार आ रहे हैं, शाहपुर में भी 100 से 150 के करीब केस आ रहे हैं। मैं सरकार को इसमें नहीं कोसता कि एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध करा पा रही, हमें देखना होगा। ट्रैफिक मरीजों का इतना बढ़ रहा है कि एम्बुलेंस के लिए हर एक दुर्गम क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने अपनी ये सेवा शुरू करी है और हम लगभग 4 से 5 मरीजों को अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। मेरा आप ही है, आप देख रहे थे कांगड़ा में पिछले हफ्ते से ही लगातार 1500 से 1600 केस लगातार आ रहे हैं, शाहपुर में भी 100 से 150 के करीब केस आ रहे हैं। मैं सरकार को इसमें नहीं कोसता कि एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध करा पा रही, हमें देखना होगा। ट्रैफिक मरीजों का इतना बढ़ रहा है कि एम्बुलेंस के लिए हर एक दुर्गम क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने अपनी ये सेवा शुरू करी है और हम लगभग 4 से 5 मरीजों को अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। मेरा आप सभी से, समाज से यही अपील रहेगी कि जितना भी हो सके हमें संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना है, एक किसी का साथ छोड़ना नहीं है। ये एक युद्ध है और हम इकट्ठे होकर ही इस